व्हाट इज़ एप गाइज दिसर और जाओमी जो है एक न्यू स्मार्टफोन सीरीज जो है लॉन्च करी है मतलब फ्लैगशिप सीरीज जो हम कह सकते हैं मी ट्वेंटी टेंटी ट्वेंटी प्रो एंड टेंटी लाइट और कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है एन टेंटी को बोलना बट उसके बारे में जो हम बात करेंगे टेंटी एंड ट्वेंटी प्रो के बारे में जो वीडियो रहेगी सो इफ यू न्यू ट्यूब चैनल मेक श्यूर टू सब्सक्राइब इट दिस इज निखिल यू आर वॉचिंग टेक्स एंड दिस वीडियो अबाउट मी ट्वेंटी एंड टेंो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिजाइन की बात करें तो बैक में जो है हमें टॉप लेफ्ट में कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा किसी और स्मार्टफोन की जो है मुझे याद दिला रहा है टॉप लेफ्ट में जो कैमरा है जो एक सेंसर जो है काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है उसके साथ टू कैमरा सेंसर जो उसके नीचे है फ्रंट की हम बात करें तो हमें आईपीएस एलसीडी पैनल देखने को मिलता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच का वन फोर्टी फोर हर्ट का जो रिफ्रेश है काफी ज्यादा जो अच्छी बात है बट लास्ट जो है मी टेन प्रो जो था उसमें जो हमें नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट रे बट वो एक ओलेड पैनल था एंड मेरे हिसाब से हमेशा जो है एक ओलेड पैनल जो है मैं प्रेफर करूंगा एज कम्पेयर टू आई पी एस एल सी डी पैनल इवन इफ उसका जो रिफ्रेश रेट ज्यादा हो बिकॉज नाइन्टी हर्ट्स इज गुड टू गो फॉर वन फोर्टी फोर हर्ड्स तक जाने की जो जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से मेरे लिए पर्सनली जो है ये काइंड ऑफ अ डाउनग्रेड जो है वो बन जाता है बाकी आप बताना आप नाइनटी हर्ट ओलेड प्रेफर करेंगे यान फोर्टी फोर हर्ट आई पी एस एल सी डी पैनल एंड उसके अलावा बात करें आप जैसे आई पी एस एल सी डी है तो इंडस्प्ले फिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर के वजह हमें साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को जो हमें मिलेगा इसमें इंटरनल जो है हमें स्नैपड्रैगन एट देखने को मिलता है बहुत ज्यादा जो बढ़िया चीज है कैमरा की बात करें तो हमें टेन टी जो है स्टैंडर्ड उसमें जो सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का आई एम एक्स सिक्स एट्टी टू सेंसर है काफ़ी ज्यादा जो ये अच्छा सेंसर है और वहीं पे जो टेन टी प्रो है उसमें हमें वन हंड्रेड एट मेगा पिक्सल का हमारा सैमसंग सेंसर जो है वो देखने को हमें मिल जाता है उसके अलावा बाकी दो कैमरा जो दोनों में सेम है थर्टीन मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस एंड फाइव मेगा पिक्सल का माइक्रो सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है तो कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा जो अच्छे रहेंगे बट मेरे हिसाब से टेन टी प्रो थोड़ा सा जो है बेटर रहेगा बिकॉज उसका प्राइमरी सेंसर थोड़ा सा जो है वो बेटर बट मेजरली उतना ज्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से जो नहीं आना चाहिए उसके अलावा बात फ्रंट की तो ट्वेंटी मेगा मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है फाइव थाउजेंड जो में बैटरी है फाइव जो है वो सपोर्ट करता है एंड दट ऑज बोथ ऑफ द स्मार्टफोन मतलब उतना जो है मेरे हिसाब से बताने को नहीं है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है सिमिलर हैं लास्ट स्मार्टफोन से सिर्फ जो है वो डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से स्क्रीन का ही जो मैं कहूँगा वो डिफरेंस है और मेरे हिसाब से वो जो है वो डाउनग्रेड ही है बट ठीक लगे स्मार्टफोन मुझे स्पेस्पेक वाइज बट इनकी जो प्राइसिंग जो है इसे एक्साइटिंग बना देती है टेन टी की जो प्राइसिंग है वो फोर नाइन्टी नाइन यूरोज है जो करीब फोर्टी थ्री थाउजेंड है एंड टेन टी प्रो की प्राइसिंग जो है फाइव नाइन्टी नाइन यूरोज है जो फिफ्टी वन थाउजेंड है एंड इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा जो वो सही बन जाते हैं बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन हैं बट इनकी प्राइसिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अभी जो मैंने कवर किया था रिसेंटली पिक्सल 5 उसी प्राइसिंग के आसपास जो है वो आ रहे हैं एंड सैमसंग गलेक्सी एफ़ ट्वेंटी एफ जो है वो भी इसी प्राइस रेंज पर है वैसे इन दोनों स्मार्टफोन का भी कंफर्म नहीं है इंडिया में कब लॉन्च होंगे या होंगे भी या नहीं लॉन्च होंगे बट मेरे हिसाब से अगर ये लॉन्च होते हैं इस प्राइस रेंज पे तो काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी डील बन जाएंगी बट उतना ज़्यादा जो है लोग नहीं जाते अगर पचास हज़ार पे खर्च करते कोई भी जो है शॉमी जो, जो वो नहीं जाता बट मेरे हिसाब से एक बार जो है लोगों को चांस लेना चाहिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे स्मार्टफोन बनाते हैं शॉमी इस प्राइस रेंज पर भी एंड ओवरऑल पेकवाइज़ भी देखें ना हम बहुत ही ज़्यादा जो वो है वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो मुझे तो पर्सनली प्राइस के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा जो वो पसंद आए हैं डिजाइन वाइज की बात करें ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा जो अच्छे स्मार्टफोन है बट एक्सेप्ट वन थिंग इसका डिस्प्ले जो आई पी एस एल सी पैनल है आई वुड हैव लव टू सी एट नाइन एंड ओल एड पैनल ओनली बाकी आप बताना आपको दोनों स्मार्टफोन जो वो कैसे लगे अगर आप चाहते हो इंडिया में लॉन्च हो तो किस प्राइस पे जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे एंड आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को दिस साइन साइनिंग ऑफ मीट इन द नेक्स्ट वन